हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। वही वोट वही वोट वही वोट हमारी मांगे हमारी मांगे हमारे मांगे वही वोट वही हमारी मांगे हमारे मांगे हमारे मांगे वही वोट जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे। गवर्नर साहब इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो गवर्नर साहब इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो मैं फयाज अहमद रथर राम अजस बांडीपोरा मैं यहाँ इसलिए आया हूँ इस गर्व से आया हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इसलिए मैं यहाँ प्रेस कॉलोनी में आया हूँ श्रीनगर इसलिए आया हूँ कि 2017 और 2018 में रूरल डेवलपमेंट ने रावतपोरा अजस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में एक पाथ कंक्रीट किया था और लोगों की सहूलियत के लिए बनाया था और उसके बाद सभी हम अच्छी तरह से उस पाथ पर चल रहे थे और एक साल के बाद एनी मिसक्रंटस जो एक खुद गरज अनासिर है वहाँ पे उसने उसको इनक्रेजमेंट कर दिया है पूरी तरह से बंद कर दिया है और हमें बेहद परेशान कर दिया है। अब उस पाथ पे किसी को चलने की इजाज़त नहीं देता है। इसके सिलसिले में मैं बांडीपोरा हम सारे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा एडमिनिस्ट्रेशन में गए इंक्लूडिंग जो हर एक डिपार्टमेंट आता है वहाँ पे अपनी फरियाद छोड़ी लेकिन फरियाद छोड़ने के बाद डीसी साहब ने कई बार वहाँ से आर्डर अपने आर्डर हुक्मनामे जारी किए उनमें से एक हुक्मनामा ये भी है जो 13 अप्रैल 2022 में उसने डीसी साहब ने अजस तहसील में भेज दिया इसलिए कि इस इनक्रोचमेंट को 16 अप्रैल 2022 तक ख़त्म कर दिया जाए लेकिन उसके बावजूद भी अजस नायब तहसीलदार फारूक अहमद ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं और साफ दे दिया। अब हम यहाँ आए हैं इंसाफ के लिए पुरजोर मौदबाना अपील करते हैं अपने मोहतरम गवर्नर साहब से हमें मेहरबानी करके इंसाफ दीजिए ताकि हम अपने घरों में एक छोटी मोटी सी सीधी सादी सी जिंदगी बसर कर सके।